सो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर राइजिंग क्रिएटर क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट है और ये आपको कैसे मिलेगा और ये मुझे कैसे मिला है। देख सकते हैं कि मेरे प्रोफाइल पे राइजिंग क्रिएटर और एक्टर लिखा हुआ है जो कि फेसबुक ने मुझे ये खुद टैग दिया है। अगर ये आपको राइजिंग क्रिएटर का ऑप्शन मिल गया तो ये आपके वीडियोज को खुद फेसबुक रिकमेंडेशन में भेजेगा और आपके वीडियोज को खुद फेसबुक प्रमोट करेगा। आपको अच्छे से बिल्कुल डिटेल में समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। यहां से आपको डिटेल में समझाने के लिए मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद सबसे पहले आपको अपना फेसबुक खोल लेना है। फेसबुक खोलने के बाद यहां से आपको अपना पेज को लॉगिन कर लेना है। जैसे कि मैं यहां से अपने पेज को लॉगिन कर लिया हूं, देखिए मेरा एक पेज है बकवास गोल्डन के नाम से और यहां से देख सकते हैं कि मेरे पेज के ऊपर राइजिंग क्रिएटर का एक टैग लगा हुआ है, उसके बाद एक्टर लगा हुआ है, ठीक है, जो कि मेरा पेज का कैटेगरी एक्टर था लेकिन राइजिंग क्रिएटर का टैग मुझे खुद फेसबुक ने दिया है। और भैया मेरे कितने फॉलोअर्स पे मिले हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो मेरे फेसबुक पे फॉलोवर है केवल और केवल 63 फॉलोवर है, मुझे राइजिंग क्रिएटर का टैग मिला है क्योंकि मैंने जुगाड़ लगाया है, ठीक है। तो आपको कैसे जुगाड़ लगाना है और इसके फायदे क्या क्या है पहले देखिए मैं आपको यह समझा देता हूं एक थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। और यहां से मैं आपको लाइव प्रूफ समझाता हूं, इसके बाद इसके फायदे जानोगे ना तो आपका दिमाग घूम जाएगा एकदम ई पट्टी सी पट्टी गोल गोल घूम जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको अच्छे से समझाने के लिए यहां से मैं नोटिफिकेशन बार में जाता हूं और यहां से नोटिफिकेशन बार में जाने के बाद यहां से देखिए मुझे जो है 17 जनवरी को जो है राइजिंग क्रिएटर का टैग मिला है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं यहां से जाता हूं कि जैसे मुझे राइजिंग क्रिएटर का टैग मिला है उसके जस्ट बाद देखिए मेरा जो है ना जो मेरा फेसबुक पेज है यहां से आप पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन में, योर पेज रीच इंक्रीज बाय 4500% इन द 7 डेज प्रमोट योर पेज। यानी कि जैसे ही मुझे राइजिंग क्रिएटर का टैग मिला उसके 7 दिनों में मेरा फेसबुक पेज पे वीडियो इतना ज्यादा वायरल होने लगा, इतना ज्यादा वायरल होने लगा जिसका कोई मोल नहीं है। भैया मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि भाई मेरे इतने वीडियोज पे इतने अच्छे खासे व्यूज अचानक कैसे आने लगे। फिर जब मैंने इस पेज को ओपन किया तो मैंने देखा कि फेसबुक ने मुझे राइजिंग क्रिएटर का टैग दे दिया। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको राइजिंग क्रिएटर का मतलब समझा देता हूं। राइजिंग क्रिएटर का मतलब होता है जैसे ही आप गूगल पे जाके या फिर डिक्शनरी पे जाके सर्च मारोगे राइजिंग क्रिएटर मीनिंग्स, तो राइजिंग क्रिएटर का मतलब होता है उभरता हुआ सितारा। और जैसे ही मैं यहां पे क्लिक करता हूं, ठीक है, देखिए कॉन्ग्रेट्स यू हैव अर्न विद राइजिंग क्रिएटर टाइटल, ठीक है। और जैसे ही मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो देखिए 90% लोगों को 1% टॉप में मिला है, ठीक है, राइजिंग क्रिएटर, लेकिन मुझे टॉप 4% मिला है, ठीक है, जो कि मेरे प्रोफाइल को फेसबुक कर रहा है कि ये बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन मैंने इस पे केवल 4 तो वीडियो ही पोस्ट किया है, ठीक है। तो यहां से राइजिंग क्रिएटर बोलता है कि व्हाट इज राइजिंग क्रिएटर, ठीक है, तो राइजिंग क्रिएटर टाइटल शो दैट योर कंटेंट हैज बीन रिसीव अ स्ट्रांग ऑडियंस। मतलब कहता है कि अगर आपके कंटेंट पे स्ट्रॉन्ग ऑडियंस आते हैं, मतलब आपके जो वॉच टाइम है ना ऑडियंस बहुत ज्यादा देते हैं, ठीक है, तब ये आपको मिलने का चांस मिल जाएगा, ठीक है। द टाइटल नाउ डिस्प्लेड ऑन योर पेज विथ सेल्फ सिलेक्ट कैटेगरी विद इन क्रिएटर रिकमेंडेशन यूनिट्स विच मे बी हेल्प ग्रो टू ऑडियंस। ये कह रहा है दूसरा ऑप्शन में कि अगर आपको राइजिंग क्रिएटर का टैग मिल जाता है तो आपके ये जो आपने क्रिएटर टैग में जो आप कैटेगरी सिलेक्ट करके रखते हो एक्टर डिजिटल क्रिएटर आर्टिस्ट जो भी कैटेगरी सिलेक्ट करके रखते हो उसी पे ये आपको मिल जाता है और जैसे ही ये मिलता है आपके वीडियोस को हम रिकमेंडेशन में सेंड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहां से कहा जा रहा है द टाइटल अवॉर्डेड फॉर 1 वीक, ठीक है, एट ए टाइम इज रीवैल्यूएबल वीकली लॉस्ट कैन बी अर्न अगेन, ठीक है, ये आपको 1 वीक के लिए ही मिलता है लेकिन अगर इस पे आप इसके कसौटी पे खड़े नहीं उतरते हो तो ये आपसे राइजिंग क्रिएटर का टैग छीन लिया जाएगा, ठीक है। और यहां से मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट जो कि बहुत लोग ये गलती करते हैं, ठीक है, इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े क्रिएटर भी ये गलती करते हैं, एक बार अगर आपको राइजिंग क्रिएटर का टैग मिल गया है तो यहां से क्या कर रहा है चेंजिंग पेज कैटेगरी में भी वॉइड ए करेंट राइजिंग क्रिएटर टाइटल कॉजिंग इट्स रिमूवल। अगर आप अपने फेसबुक के कैटेगरी को चेंज करते हो, मतलब अगर आपका एक्टर है तो वहां से आप अगर आर्टिस्ट करते हो तो ये आपका राइजिंग क्रिएटर का टैग हट जाएगा, अगर आपका डिजिटल क्रिएटर है कोई भी कैटेगरी को चेंज करते हो तो आपका राइजिंग क्रिएटर का टैग हट जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि भैया हमको राइजिंग क्रिएटर का बेनिफिट क्या क्या है। तो देखिए राइजिंग क्रिएटर का बेनिफिट है जिस प्रकार से यूट्यूब में एक ट्रेंडिंग सेक्शन होता है, ठीक है,
ट्रेंडिंग सेक्शन के बाद जस्ट आप जाओगे तो राइज ऑन क्रिएटर करके यूट्यूब पे एक ऑप्शन होता है, वहां से यूट्यूब क्या कहता है कि मेरे जो भी क्रिएटर है जो कि अपने वीडियोज पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं और बहुत ज्यादा रेगुलरिटी से अपने वीडियोज को पोस्ट कर रहे हैं और उनके कंटेंट में दम है, उनका वीडियो जो है यूट्यूब बिना किसी व्यूज के 20,000-25,000 व्यूज पे भी ट्रेंडिंग सेक्शन में भेज देता है, क्योंकि वो अपने क्रिएटरों को प्रमोट करता है जो कि उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। ठीक जस्ट उसी प्रकार से राइजिंग ऑन क्रिएटर का ऑप्शन फेसबुक में भी होता है, जिनको भी राइजिंग क्रिएटर का टैग मिल जाता है उनके वीडियोज को फेसबुक खुद रिकमेंडेशन में भेजता है और उन पेज को फेसबुक खुद सजेस्ट करता है और उनके वीडियोज पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज देने का प्रयास करता है, जिनके भी स्ट्रांग ऑडियंस होते हैं, यानी कि फेसबुक कहता है कि हम आपको राइजिंग क्रिएटर का टैग देके, अगर उभरता हुआ सितारा का टैग देके हम आपके वीडियोज को जो है प्रमोट करेंगे, बस आपको रेगुलरिटी से अपने वीडियोज को पोस्ट करना है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये टैग आपको कैसे मिलेगा। तो देखिए, अगर आपका पेज का कैटेगरी एक्टर, आर्टिस्ट या फिर डिजिटल क्रिएटर है तो ये आपको मिलने का चांस ज्यादा रहेगा, ठीक है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि ये केवल ओरिजिनल क्रिएटर को ही मिलता है, ये कोई कॉपी पेस्ट वाले को नहीं मिलेगा, क्योंकि राइजिंग क्रिएटर का मतलब होता है उभरता हुआ सितारा। तो देखिए, जो कॉपी पेस्ट करके पैसे अर्न करते हैं उनका अलग तरीका होता है, जो वॉइस ओवर पे चैनल चलाते हैं उनका अलग तरीका है, ये वॉइस ओवर को नहीं मिलेगा, कॉपी पेस्ट को नहीं मिलेगा। कोई ऐसे वीडियोज अगर बनाते हैं जिनमें उनका फेस नहीं दिखता है तो ये उनको नहीं मिलेगा। तो अगर आपका पेज का कैटेगरी आर्टिस्ट, एक्टर या फिर डिजिटल क्रिएटर है तो ये आपको मिलने का चांस ज्यादा रहेगा। अगर आप अपने पेज के ऊपर ओरिजिनल वीडियो पोस्ट करते हो, आपको क्या करना है कि आप अपने पेज पे 10 वीडियो पोस्ट करना है, 10 वीडियो एक ही कैटेगरी पे पोस्ट करना है। अगर आप कॉमेडी बनाते हो तो आपको केवल कॉमेडी पे पोस्ट करना है। अगर आप कोई ऐसे वीडियो बनाते हो जो कि सोशल वर्किंग के रिलेटेड रहे तो आपको केवल वैसे ही वीडियो को पोस्ट करना है, मतलब एक कैटेगरीज वाइज आपको वीडियो पोस्ट करना है। और 10 वीडियो पोस्ट करना है जिसमें आपको कम से कम 3 लाइव वीडियो होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, क्योंकि लाइव से जो है ना फेसबुक आपके वीडियो को वेरीफाइड करता है, आपके अकाउंट को वेरीफाइड करता है, ये आपके अकाउंट के स्टेटस को भी हेल्दी करता है, ठीक है। तो आपको ओरिजिनल वीडियो 10 को अपलोड करना है और विद आपको लाइव आना है, आपको एक कैटेगरी के वीडियो को अपलोड करना है। मुझे मिला है भाई 61 फॉलोअर्स पे, ये आपको भी मिल सकता है। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में।